गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड टुडे इज़ माय डे टू एंड वी आर इन सिसु राइट नाउ। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 एंड मैं आपको भी जन्नत दिखाता हूँ। ये देखो, इसको बोलते जन्नत जो आप अभी मेरे सामने देख रहे हो। ये सफ़ेद चादर और ऊपर से ये सूरज, टेम्परेचर हो रहा है -15। सो हाय गाइस, सो अभी हम रेडी होके निकल चुके हैं एंड सबसे पहले हम देवता जी के दर्शन करेंगे यहाँ पे, क्योंकि सिसु के देवता जी हैं। उनसे थोड़ा आशीर्वाद लेंगे क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। एंड फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करके हम अपनी आगे की जर्नी स्टार्ट करेंगे। एंड जो भी करेंगे मैं आपको अपडेट करते रहूँगा। एंड मेरे पीछे आप देख सकते हो बर्फ़ के पहाड़। एंड हो पाया तो मैं आपको देवता जी के दर्शन भी करवाऊँगा। ये हमारे देवता जी जिनके मैं दर्शन किए। जय देवता जी। अभी देवता जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं रेस्टोरेंट में अपना ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे अभी हम करेंगे ब्रेकफास्ट। बड़ी प्यारी धूप निकली है यहाँ पे। ब्रेकफास्ट करके हम आगे सूरज स्थल की तरफ सोच रहे जाने का, जहाँ तक जा पाएंगे। जो भी होगा आई अपडेट यू। सो आई सी यू इन वाइल। सो सबसे पहले अभी हमने अपने लिए ऑर्डर किए पैनकेक्स, जो कि यहाँ के काफ़ी फेमस हैं। अभी हम पैनकेक्स इन्जॉय करेंगे एंड उसके बाद मिलता हूँ सीधे आपको नेक्स्ट प्लान के साथ कि आगे हम क्या करने वाले हैं। सो अब हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है ना, अब हमारा प्लान बना कि हम कोकसर जाएंगे क्योंकि सूरज ताल अभी बंद है इस टाइम। सो अभी हमारा प्लान बना कि हम कोकसर जाएं। सो हम जा रहे हैं यहाँ से सीधे कोकसर, जो कि सिसु से 15 किलोमीटर है। सो मिलते हैं आप सीधे कोकसर में। हम ऑलमोस्ट अटल टनल के पास पहुँच चुके हैं अभी एंड यहाँ से कोकसर अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोमीटर है। सो जब तक हम कोकसर पहुँचते हैं तब तक आप इन वादियों के नज़ारे लो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं कोकसर एंड कोकसर में ऐसा हमें कुछ खास मिला नहीं स्पेशल। सो हम सोच रहे हैं अभी यहाँ से वापस मनाली के लिए निकलें। कोकसर में क्राउड बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ सीधे मनाली के लिए निकल लगे हैं। सो सीधे मिलते हैं आपसे मनाली में। फाइनली अब हम अपना लास्ट व्यू इन्जॉय करते हुए स्नो में, उसके बाद हम मनाली निकल जाएंगे वापस। आप देख सकते हो कितना अमेजिंग व्यू है यहाँ पर। यहाँ पर अभी थोड़ी फोटोग्राफी वीडियोज़ वगैरह बनाएंगे एंड उसके बाद निकलेंगे सीधे मनाली। अभी हम निकल पड़े हैं वापस मनाली की ओर। रात को मैं आपको अटल टनल अच्छे से दिखा नहीं पाया था। सो अभी आप देख सकते हैं सामने मेरे अटल टनल अभी यहाँ पे जाम लगा हुआ है। सो अभी हम अटल टनल एंटर कर चुके हैं जो आप देख सकते हो। रात को प्रॉपरली मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि लाइट थी नहीं। सो अभी हम जा रहे हैं वापस मनाली एंड वहाँ पे कुछ ढूंढेंगे रहने के लिए। सो मिलता हूँ सीधे आपसे वहाँ पे। अभी अभी हम टनल से बाहर निकल चुके हैं एंड आप देख सकते हैं यहाँ का वेदर। 9 तारीख को प्रेडिक्शन हुई है स्नोफॉल होगी मनाली में, हिमाचल में, सिसु में। सो अगर आप प्लान कर रहे हैं स्नोफॉल एंजॉय करने का तो आप 9 तारीख को आ सकते हो एंड यू कैन एंजॉय द स्नोफॉल। सो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं मनाली एंड हमने यहाँ पे ये रूम रेंट किया, ब्यूटीफुल रूम। आप देख सकते हो रूम, ये यहाँ पे एक डबल बेड है, एक बड़ा सोफा कम बेड है एंड काफ़ी नॉमिनल पड़ गया हमें ये रूम। यहाँ पे वॉशरूम है एंड देन ये इसकी ब्यूटीफुल सी बालकनी एंड यहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हो मनाली का ब्यूटीफुल सा व्यू। एंड ये रूम हमें पड़ा ओनली एंड ओनली फॉर 2000 रुपीज़ फॉर 5 पीपल। सो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो, दिस इज़ द कार्ड, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यू कैन सर्च इट ऑन द इंटरनेट। सो अभी हम अपना डिनर करने आ गए थे इस ब्यूटीफुल से कैफ़े में, बुरांस कैफ़े जिसका नाम है। काफ़ी ब्यूटीफुल कैफ़े है ये। ये है अपना मनाली सोलांग रोड पे। अगर आप पार्टी करना चाहते हो एंड थोड़ा चिल करना चाहते हो तो आप इस कैफ़े पे आ सकते हो। अंदर जाके भी दिखाऊंगा अभी आपको। हम पहुंच चुके हैं बुरांस कैफ़े में एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल एम्बियंस। यहाँ पर इनका ब्यूटीफुल सा बार है, ब्यूटीफुल डोम्स जहाँ पे अपना डिनर आप पारी कर सकते हो। दिस इज अवर डोम। अभी यहाँ पे हम अपना डिनर करेंगे। यू कैन सी द एम्बियंस। ब्रांच से अपना स्नैक्स वगैरह थोड़ा बहुत डिनर कर लिया एंड यहाँ से भी हम जा रहे हैं दोबारा अपने होटल में। वहाँ पे हम थोड़ा बॉनफायर करेंगे एंड पार्टी करेंगे। सो मिलता हूँ सीधे अब आपसे होटल पे। मैं होटल वापस आया एंड इन सबने मेरे लिए सरप्राइज़ प्लान किया हुआ था। थैंक यू, आई लव यू।
ये देखो ये सब मेरे लिए प्लान था यहाँ पे, तो कि कब मेरा आ चुका है चिंकी, प्लान किया था ये सब। भाई आ जाओ, एंड अब हम केक काटने लगे हैं एंड हमें सब रिश्त करने आ गए हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। मालूम बोलो ना, मालूम बोलो ना। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 9 एंड मैं अभी जस्ट उठा हूँ एंड बाहर इतनी प्यारी धूप का नज़ारा लेते हुए मज़ा ही आ गया। एंड आप मेरे पीछे व्यू भी देख सकते हो, मेरे पीछे आपको पूरा मनाली दिखेगा। अभी हम थोड़ा ब्रेकफास्ट वगैरह करेंगे, देन देखते हैं क्या करना है बाकी। हमारी आज वापस चंडीगढ़ जाने की प्लानिंग है, जो भी होगा आई अपडेट यू, सो आई विल सी यू इन व्हाइल। दिस इज़ द मनाली रूट, जो यहाँ से मनाली से आपको सिस्सू सोलांग वैली लेके जाता है। एंड आप देख सकते हैं सुबह 9 बजे लोग जाना शुरू हो गए हैं सोलांग वाली साइड। सोलांग में तो बर्फ़ कुछ भी नहीं है, 0%। सो मोस्टली लोग सिस्सू जा रहे हैं, जो हल्की फुल्की बर्फ़ पड़ी है वहाँ देखने। सो इफ़ यू कमिंग टू मनाली राइट नाउ, आपको सिस्सू जाना पड़ेगा बर्फ़ देखने। यार रोहन आर नॉट, रात को इतनी शराब पी ली इसने, इतनी शराब पी ली कि उल्टियाँ मारी हैं सिर्फ इसने। अभी हमने पूरा रूम सेट किया है। भाई कैसी हालत है अब? ये देखो सारा गीला पड़ा है, हमने सारा रूम साफ किया अभी। भाई रात को आई एम डिस्को डांसर पे डांस कर रहे थे, उसके बाद इनका डिस्को डांसर बेड पे बन गया। सो फाइनली अब हमारे बैग्स पैक हो चुके हैं, हम अपनी गाड़ी में अपना सारा सामान डाल रहे हैं, यहाँ से हम निकल रहे हैं। जाते टाइम इनका मन है थोड़ी देर माल रोड पर जाएँ एंड उसके बाद सीधे निकल जाएंगे हम चंडीगढ़। एंड अगर आप आओ आप इस ब्यूटीफुल से होटल में ज़रूर आ सकते हो। तो अभी हमने मॉल रोड के सामने अपनी गाड़ी पार्क कर ली है एंड हम जा रहे हैं मॉल रोड थोड़ा शॉपिंग करने, देन उसके बाद सीधे निकलेंगे चंडीगढ़। सो मिलता हूँ सीधे आपसे मॉल रोड पे। सो ये रास्ता है मॉल रोड का, यहाँ से आप हडिम्बा टेंपल भी जा सकते हो और एंड अगर आपको अटल टनल एंड सोलांग जाना है तो यू विल हैव टू फॉलो दैट पाथ। फिलहाल हम तो चले मॉल रोड। रोहन क्या हालत है अभी आपकी, ठीक हो आप? आज क्या चलेगा आरजू के लिए, कुछ कहना चाहोगे आप व्लॉग में? नहीं चलो ठीक है। मानव आपकी जिप खुली है? नहीं भाई बंद है। ओ, खुली। अब हम पहुंच चुके हैं मॉल रोड, यहाँ से आपकी मॉल रोड स्टार्ट होती है, आप यहाँ पे आ सकते हो एंड यू कैन एंजॉय मनालीज मॉल रोड। आज धूप निकली काफ़ी अच्छी एंड वी आर रियली एंजॉयिंग इट। अभी अच्छा लग रहा है, थोड़ा ठंड नहीं है क्योंकि धूप निकली हुई है। सो मॉल रोड पे अभी हमने आइसक्रीम खाई एंड शॉपिंग की एंड नाउ वी आर गोइंग बैक टू चंडीगढ़। सो हेयर आई एम एंडिंग माई दिस व्लॉग, सो आई सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, साइनिंग ऑफ नाइट व्लॉगर।